हेलो जी एवरीवन, आज हम बनाएंगे जी पास्ता। तो हम दो टाइप का पास्ता बनाएंगे जी। वन होगा इंडियन स्टाइल पास्ता वेजिटेरियन एंड इंडियन स्टाइल पास्ता विद एग। तो आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं जी। मैंने यहाँ पे दो तरह का पास्ता लिया जी, ये है प्लेन और ये है स्पाइरल वाला। तो तड़के के लिए मैं आपको दिखा दूं हमें क्या कुछ चाहिए। ये मैंने प्याज लिए हैं। देखिए जी, प्याज को मैंने लंबा लंबा स्लाइस कर लिया। जो मैंने सारी स्लाइसिंग की है वो पतली और लंबी स्लाइसिंग की है। ये है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके मैंने बड़ा एक चम्मच लिया है। दिस इज पोटैटोस, इनको भी मैंने पतला और लंबा स्लाइस कर लिया है। सेम ये कैरेट्स हैं, मैंने नीली 3 to 4 कैरेट्स ली हैं, इनको भी आपने पतला लंबा स्लाइस कर लेना है। यहाँ पे मैंने नियरली हाफ कप लिया है जी अपना बीन्स का, ग्रीन बीन्स का। ये 1 कप है जी हमारे मटर, 1 कप हमने लिया है कॉर्न, ये है हमारी ग्रीन कैप्सिकम, लंबी और पतली स्लाइस कर रखी है। ये रेड कैप्सिकम है जी, ये भी लंबी और पतली स्लाइस कर रखी है। ये है जी हमारा कॉलीफ्लावर, ये मैंने 1 or 2 फ्लोरेट्स लिए हैं, उनको पतला लंबा स्लाइस कर रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे बरीला की बॉल्कनीज विथ 100% इटालियन टोमेटो सॉस। ये LD में मिल जाती है जी। ये है गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी स्पिनिच। स्पाइसेस मैं आपको दिखा दूँ, सॉल्ट एज यूजुअल, जीरा चाहिए हमें, रेड मिर्च पाउडर चाहिए, ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, हल्दी चाहिए एंड ये कोरिएंडर पाउडर है। तो कोरिएंडर पाउडर ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी साथ में रेड चिली फ्लेक्स जो हम यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन आपको चाहिए 2 एग्स, जो एग्स वाला है उसमें हम 2 एग्स यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको चाहिए। तो ये है इंग्रेडिएंट्स। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं आज अपना इंडियन स्टाइल पास्ता। वन इज़ अ वेजिटेरियन एंड वन वुड बी अ एग पास्ता। ये देखिए जी, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, उसको मैं उसको बॉईल कर रही हूँ और मैंने उसमें एक डैश जो है अपना ऑलिव ऑयल की डाल दी है। आई विल वेट के जो पानी है पहले उसमें बॉयल आए, तब हम इसमें दोनों तरह का जो पास्ता है वो मिक्स करके डाल देंगे। आप चाहें तो वन स्टाइल पास्ता भी ले सकते हैं, मैं वैसे ही दोनों स्टाइल यूज़ कर रही हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में आप ऑलिव ऑयल डालिए। पास्ता जो ऑलिव ऑयल में बहुत अच्छा बनता है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप उसमें ऑयल डालें एंड वही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जी। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले डालेंगे जीरा। बता दूँ जी, जितनी देर हमारा वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है हम यहाँ पे इसका तड़का शुरू कर देते हैं। तो जब आपका जो ऑलिव ऑयल है वो हीट अप हो जाए, तब आप इसमें 1 चम्मच जो है जीरे का डाल दीजिए और हम जीरे को क्रैकल होने देंगे। जीरे के साथ साथ यहाँ पर ऑप्शनल है, इफ़ यू वॉन्ट तो आप डाल सकते हैं, अगर लेकिन आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 छोटी ग्रीन इलायची प्लस 2 लौंग डालूंगी। यहाँ पे जीरा बन रहा है तो मैंने इसमें 2 छोटी इलायची प्लस 2 लौंग डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जीरा क्रैकल होने लग जाए, आप इसमें अपने जो बारीक लंबे प्याज कर रखे हैं आप उनको ऐड कर दीजिए। तो आई कैन सी मोस्टली जब जीरे की खुशबू आने लग जाए तब आप इसमें अपने प्याज ऐड कर दीजिए। तो ये गए हमारे इसमें प्याज। तो यहाँ पर हमारे प्याज कुक हो रहे हैं, देखिए कैसे मैंने लंबे लंबे और पतले पतले प्याज काटे हैं। जितनी ज़्यादा आप इनकी लंबे और पतली वाली स्लाइसिंग करेंगे सारी चीज़ों की, उतना ही ज़्यादा इसमें इफेक्ट आएगा। तो एज यू कैन सी इनको हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, हमने इनको ब्राउन नहीं करना है। तो हम इसको कुक कर रहे हैं, प्याज को खो रहे हैं, बट इन द मेन टाइम आप देख सकते हैं वो जो पानी है उसमें बॉयल आ रहा है। यहाँ पर अब हम अपना जो है पास्ता वो ऐड कर देंगे। मतलब जी फर्स्ट स्टाइल ऑफ पास्ता इसमें, अब मैं इसमें सेकंड स्टाइल ऑफ पास्ता भी ऐड कर दूँ। यहाँ पे दोनों स्टाइल पास्ता हमने डाल दिया है। यहाँ पर मैं यहाँ पे नियरली हाफ स्पून जो है इसमें अपना सॉल्ट का ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो वन स्टाइल ऑफ पास्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसकी वेट करेंगे कि ये बॉयल इसमें बॉयल आए। इसको जो पास्ता है आपको पानी इतना डालना है कि पास्ता इसमें अच्छे से डिप हो जाए, और जो आपका फ्लेम है आपको हाई पे ही कुक करना है। ये देखिए जी, इधर हमारे प्याज कुक हो चुके हैं। एज यू कैन सी जो प्याज है आपके हल्के ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। यहाँ पर आपने इसमें डालना है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सेंटर में थोड़ा तेल निकाल कर ऐसे देखिए। देखिए जी, मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैं गैस को थोड़ा कम कर दूंगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं तो जो तेल है वो छींटे मारने लग जाता है। तो आप गैस को थोड़ा कम करके पकाइए, एंड एट द सेम टाइम आप नहीं चाहते कि जो आपके प्याज है वो ओवर कुक हो जाए। यहाँ पर आप प्याजों को इसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिए एंड लेट इट कुक इन द ऑयल अंडर द, ये लीजिए। यहाँ पर आप लो टू मीडियम के ऊपर इसको कुक करें।
देखिए जी यहाँ पे हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऑलमोस्ट बन गया है, तो ये एक बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस देना शुरू कर देगा। इसको नियरली एक मिनट पकाने के बाद यहाँ पर जो है आप अपने आलू ऐड कर दीजिए। ये देखिए गैस मैंने अभी भी लो टू मीडियम कर रखा है। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको नियरली दो मिनट तक ढककर लो टू मीडियम पर ही पकाइए। इधर जो आपका पास्ता बन रहा है इसको हम नीली 10-15 मिनट पकाएंगे, तो टाइम नोट करके रखिएगा। तो इसको हम ढक देते हैं। देखिए जो आपका पास्ता है इसको आप बीच बीच में एक फोर्क की मदद से हिलाते रहिए, ये देखिए, ताकि जो पास्ता वो नीचे ना लगे। तो ये हम इसको हिला रहे हैं और इधर जो है हमारा हमारे आलू हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं। तो इसको फिर से ढक दीजिए नियरली 2 मिनट्स के लिए। खींचिए नियरली 2 मिनट्स के बाद लो टू मीडियम के ऊपर आपके आलू कुछ ऐसे दिखेंगे। ये कुक नहीं हुए हैं अभी, ये अभी सेमी कुक्ड है और यहीं पर आपने अपने कटी हुई जो गाजर है वो ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो आप कहेंगे कि ये अभी कुक तो हुआ नहीं है, ये लेटर ऑन स्टेज पे कुक होगा क्योंकि इसमें हम कुछ फ्रोजन वेजिस डालेंगे। मैंने जो मटर है वो फ्रोजन यूज़ किए हैं और जो कॉर्न है वो फ्रोजन यूज़ किए हैं। जब हम फ्रोजन वेजिस इसमें डालेंगे तो हल्का सा पानी छोड़ेंगे और ये उसमें कुक हो जाएंगे। तो इसको डालने के बाद, गाजर को डालने के बाद आप इसको नियरली 2 मिनट तक ढक दें लो टू मीडियम हीट के ऊपर। और ये देखिए इधर हमारा जो पास्ता है उसमें आप लगातार जब भी आपको टाइम लगे तो आप इसमें फोर्क ज़रूर हिलाएं। ये देखिए जी यहाँ पर पास्ता को घंटे हुए 5 मिनट्स हो गए हैं, इसको भी नियरली 10 मिनट्स और लगेंगे। तो इसको आप लगातार हिलाते रहिए, फ्लेम हाई पर ही है। और ये हमारी यहाँ पे जो पोटैटोज एंड कैरेट्स हैं वो देखिए यहाँ पर सेमी कुक हो चुकी हैं। यहाँ पे आप अपनी सारी फ्रोजन वेजीज यानी कि ग्रीन बीन्स, मटर और कॉर्न डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने तीनों फ्रोजन वेजीज, मैंने ग्रीन बीन्स यूज़ किए थे, ये मैंने मटर यूज़ किए और ये कॉर्न है, मैंने ये तीनों डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर आप जो फ्लेम है उसको आप हाई पर ले जाइए और इसको ढक दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर नियरली 2 मिनट तक ढक कर पकाएं। तो ये गया, हमने इसको ढक दिया एंड फ्लेम हमारी लो टू मीडियम है। इन द मीन टाइम ये देखिए आपका जो पास्ता है वो नियरली पानी पी चुका है। यहाँ पर पास्ते को कुक होते हुए नियरली 8 मिनट हो चुके हैं जी। तो अब हम टेस्टिंग करेंगे कि पास्ता कुक हो गया है कि नहीं। तो हम पास्ता का एक कोई भी स्ट्रैंड निकाल लेंगे, उसको एक कटोरी में डालेंगे और उसको चेक करेंगे। तो आई विल टेक वन ऑफ देम इनटू अ कटोरी। ये गया हमारा एक कटोरी में और हम उसको चेक करेंगे। पास्ता को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, आप एक नाइफ लीजिए और इसको इससे हल्का सा काट के देखिए। अगर तो ये बहुत स्मूथली कट जाता है, ये बहुत स्मूथली कट गया, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें कच्चापन है। तो हम इसको नियरली अनदर 3 मिनट्स तक पकाएंगे एंड फिर हम इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। हम इसको वापस इसमें डाल देते हैं और इसको कुक होने देते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप अच्छे से हिलाते रहिए। यहाँ पर पास्ता को कुक होते हुए नियरली 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप नाइफ लीजिए और देखिए अगर ये अच्छे से कट रहा है तो आई विल जस्ट पिक अप वन। ये देखिए तो हम दोबारा से वही टेस्टिंग करके देखेंगे जी। हम कोई भी एक स्ट्रैंड ले लेंगे और उसको कटोरी में डालकर देखेंगे कि ये प्रॉपरली कट रहा है। तो यस इट्स गोइंग वेरी स्मूथ, बहुत अच्छे से इजीली कट रहा है। तो अब ये हमारा पास्ता रेडी। हम यहाँ पर जो है गैस को ऑफ कर देंगे और पास्ता को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे साथ के साथ। दिखा दूँ आपको, पास्ता को हमने स्ट्रेन कर लिया, ठंडे पानी इसमें डाल दिया है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ठंडा पानी इसमें क्यों डालना है। जी ठंडा पानी डालने का ये रीज़न है, इससे पास्ता जो आपका स्टिक नहीं होता है। तो हमने पास्ता को सेट असाइड कर लिया। इन द मीन टाइम हम इसको खोल के देखेंगे कि ये किस स्टेज पर है हमारा जो वेजेस कुक हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारी वेजेस नियरली सेमी कुक हो चुकी हैं। यहाँ पर आप जो है रिमेनिंग वेजेस जो हैं हमारी वो डालेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जी ग्रीन कैप्सिकम के साथ। देखिए जी यहाँ पर हम इसमें डालेंगे ग्रीन कैप्सिकम, यहाँ पर हम डालेंगे जी रेड कैप्सिकम और ये हम डालेंगे इधर साइड पे अपनी कॉलीफ्लावर। तो इसका रीज़न ये है जी, जो ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और कॉलीफ्लावर होती है बहुत इजीली कुक हो जाती है, इसलिए हम इसको एंड में डालते हैं इन सब्जियों को। तो हम इसको अच्छे से हिलाएंगे एंड देन हम इसमें लेटर ऑन, इसको अच्छे से हिलाने के बाद हम इसको लो टू मीडियम हीट के ऊपर नियरली 3 मिनट्स तक पकाएंगे। देखिए जी यहाँ पर जब आपने सारी वेजेज ऐड कर दिए, यहाँ पर आप इसको
ढककर नियरली 10 मिनट्स तक लो हीट के ऊपर कुक करेंगे। आपको बीच में कुछ हिलाने की जरूरत नहीं है, इसको ढक दें और 10 मिनट्स तक आप इसको वेट करें। ठीक जी, मैं आपको दिखा दूं, आफ्टर 10 मिनट्स स्लो पे ढककर कुक करने के बाद आपको कोई हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए कैसा दिख रहा है। तो ये जो है ये स्लो पे कुक हुआ है एंड बहुत परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो सबसे जो एक तरीका होता है चेक करने का होता है आलू, तो आप आलू को हल्का सा मैश करके देखिए, देखिए कितना ईजिली ये वो हो रहा है, अपना टूट रहा है। एंड देन यू कैन ट्राई दिस विद द गाजर एज वेल। ये देखिए ईजिली कट हो रही है लेकिन मैश नहीं हुआ है सारा कुछ। तो ये जो अगर आप ऐसा स्पैचुला यूज़ करेंगे तो हमने इसको वैसे ही सब्जियों को खड़ा खड़ा रखना है। यहाँ पर हम अपने ऑल स्पाइसेस ऐड करेंगे जी इसमें। तो वी विल स्टार्ट विथ सॉल्ट फर्स्ट। देखिए जी कंसिडरिंग ये कितनी सब्जी है, इसके ऊपर हम नियरली 2 चम्मच जो हैं ईजिली भर के वो सॉल्ट के ऐड हो जाएंगे। तो हमने स्प्रिंकल कर दिया है इसमें सबसे पहले सॉल्ट नियरली 2 स्पून, क्योंकि अब देखिए इसमें पास्ता भी डालना है तो इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा डालिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है, आप इसमें हल्दी नहीं डाल रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ ये सब्जी नहीं है, इट्स अ पास्ता। यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है रेड मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, मैं बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि इसमें चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। 1 स्पून जो है कोरिएंडर पाउडर का, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है नॉर्मली। ब्लैक पेपर डेफिनेटली डालिए नियरली 1/2 टीस्पून, और मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको नियरली 2 मिनट्स तक ढककर लो हीट के ऊपर पकाएं। ये हमारा स्क्रैम्बल्ड एग यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे आप गैस को लो कर दीजिए और ये इधर हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से इधर वेजीज में मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ से आप 1/2 वेजीज उठाकर इसमें डाल दीजिए। तो ये हमारी जो वेजीज कुक हो गई हैं, इसमें से 1/2 वेजीज आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसको स्क्रैम्बल एग में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए जी मैंने यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड एग में वेजीज मिक्स कर दिए और 1/2 वेजीज मैंने इधर रख ली हैं। इस स्टेज पे आप जो है इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी जो चिल्ली फ्लेक्स हैं वो ऐड करेंगे। तो ये मेरी चिल्ली फ्लेक्स हैं, इसमें से बहुत थोड़ी सी जो चिल्ली फ्लेक्स हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और बहुत थोड़ी सी यहाँ पर ऐड करेंगे, लाइक नियरली 1/2 स्पून। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर हम जो हमारी बरीला सॉस जो है, दिस वन बल्गनी सॉस विद 100% टेरिन टोमेटोज, इसको हम ओपन करेंगे एंड हाफ इनमें मिक्स कर देंगे। तो लेट्स डू इट। जब भी आप ये कोई भी सॉस यूज़ करें आप इसको अच्छे से शेक ज़रूर कर लें। इसको अच्छे से शेक करने के बाद 1/2 एंड 1/2 इसमें डाल दीजिए। मैंने 1/2 एंड 1/2 सॉस डाल दिया। अब यहीं पर आप 1/2 एंड 1/2 पास्ता ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 1/2 एंड 1/2 जो पास्ता ऐड कर दिया है और इसके ऊपर आप फिर से चिली फ्लेक्स डालिए, जो रिमेनिंग चिली फ्लेक्स थे ये, और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ स्पिनिच इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब ये जो है अब हमने इसको मिक्स करना है। द वन विद द एग इसमें आप नहीं डालेंगे थिकन क्रीम, बट द वन विद द वेजीज उसमें आप कोई भी जो थिकन क्रीम है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे फार्म डेयर फ्रेश की थिकन क्रीम यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, जस्ट अ डैश ऑफ थिकन क्रीम आपने इसमें ऐड करनी है। तो आई विल डू दैट। मिक्स करने के बाद एग वाला कुछ ऐसे दिखेगा और यहाँ पर मैंने नियरली 1 बिग स्पून जो है थिकन क्रीम का ऐड किया है और हम इसको भी मिक्स करेंगे। एग वाला पास्ता है वो आपका नियरली कुक हो चुका है जी। यहाँ पे आप गैस को बंद कर दीजिए। जो आपका वेजी पास्ता है उसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, तो इसको आप नियरली 1-1.5 मिनट कुक करेंगे मीडियम के ऊपर और उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिएगा। देखिए जी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो ये है इंडियन पास्ता विद वेजी और ये जो है विद एग है। इसको आपने प्लेट कर लेना है और इसके ऊपर आपने जो चीज़ है, कई लोग मोजरेला चीज़ डालते हैं लेकिन मैं नॉर्मल चीज़ डाल के इसको हम माइक्रो कर लेंगे नियरली 1 मिनट तक। ये देखिए जी इसके ऊपर चीज़ डाल के इसको माइक्रोवेव कर लिया है। चीज़ डालने के बाद जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दें। बहुत ही हेल्दी, ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें वेजिज डली हुई हैं, बहुत ही हेल्दी पास्ता है। एंजॉय कीजिए। दिस इज़ द वन विद एग एंड दिस इज़ द वन विदाउट एग। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।